अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं अपने किचन में पाव भाजी। ये पाव भाजी हम बनाएंगे बिल्कुल ओरिजिनल पाव भाजी, जिस तरह से जुहू बीच में बनाई जाती है पाव भाजी, उसी तरह से हम बनाएंगे पाव भाजी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं पाव भाजी। ये पाव भाजी होगी तो ओरिजिनल रेसिपी, लेकिन हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से, और ये हमारा अपना तरीका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना पाव भाजी 15 मिनट के अंदर। तो सबसे पहले मैंने मटर ऐड कर लिया है प्रेशर कुकर के अंदर। यहाँ पर मैंने 1 कप मटर का यूज़ किया है। मटर ऐड कर देने के बाद हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं गोभी। मटर भी 100 ग्राम था और गोभी भी 100 ग्राम मैंने ले ली है। कई बार ऐसा होता है कि पाव भाजी में गोभी नहीं ऐड करते हैं लोग, बट मैं ऐड करती हूँ, तो आपकी मर्ज़ी, अगर आप चाहें तो ना ऐड करें। अब यहाँ पर मैंने एक बिग साइज़ का शिमला मिर्च ऐड कर दिया है रफली चॉप करके, क्योंकि ये वैसे भी टेंडर हो जाएगा विसलाने के बाद। अब यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए, इनको मैंने बीच से कट कर लिया है। ऐड कर दूंगी अपने प्रेशर कुकर के अंदर। तो हमने आलू ऐड कर दिया प्रेशर कुकर के अंदर, और अब हम ऐड कर देंगे यहाँ पर गाजर। गाजर मैंने 3 मीडियम साइज़ की ले ली थी, जो बहुत ज़्यादा छोटी या बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी। इनको मैंने पील करके इस तरह से चॉप कर लिया है, ऐड कर दिया अपने प्रेशर कुकर के अंदर। तो अभी हमें सब्जियों को करना है बॉयल। यहाँ पर हम कोई से भी मसाले नहीं ऐड कर रहे हैं, और आपको इसमें इतना ही पानी ऐड करना है जितनी आपको थिक पाव भाजी चाहिए, क्योंकि हम बाद में पानी नहीं ऐड करेंगे। पानी ऐड करने से वो मज़ा पाव भाजी का नहीं आता है। तो यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं जितना हमें टोटल पानी चाहिए पाव भाजी में। तो इन सब्जियों के लिए 1 गिलास पानी इनफ है। तो यहाँ पर हम 2 विसल लगा कर कुकर लेंगे। तो देखिए, हमने प्रेशर कुकर से बाहर निकाल लिया सब्जियों को, और सब्जियां कितने बढ़िया से टेंडर हो गई हैं। लेकिन यहाँ पर हम मैश कर देंगे सब्जियों को। हम इस पाव भाजी में कोई पाव भाजी वाला स्पेशल मैशर नहीं यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मल दाल वाला जो मैशर होता है उसी से मैश कर देंगे सब्जी। पानी हम कर देंगे अलग, उसके बाद हम सब्जी को कर लेंगे अच्छे से मैश। तो सब्जियों को मैश करना ज़रूरी है यहाँ पर। तो हमने पानी अलग कर लिया है और सब्जियों को अब अच्छे से मैश कर लेंगे। ऐसा करने से आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और टेस्टी भी बनती है इस तरह से पाव भाजी। तो हम इसी तरह से मैश करते जाएंगे अपनी सब्जी को। तो हम सब्जी को मैश करके साइड कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, ऐड कर देंगे बटर। तेल के बाद ही बटर को ऐड करेंगे, वरना बटर जल जाएगा, और बटर को बिल्कुल भी जलाना नहीं है पाव भाजी में, टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो गरम हो गया अच्छे से ऑयल और बटर। अब हम ऐड प्याज 2 मीडियम साइज़ के, लेकिन उससे पहले ऐड कर देंगे ज़ीरा, और अब ऐड कर देंगे प्याज। प्याज ऐड कर देने के बाद अच्छे से भून लेंगे। तो 2 से 3 मिनट में प्याज अच्छे से भून जाते हैं। हाई फ्लेम पर अच्छे से हम प्याज को भून लेंगे। तो देखें प्याज का कितना अच्छा कलर आ गया, जैसे हमें चाहिए था। अब हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून जिंजर और गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छे से हम भून लेंगे प्याज और ऑयल के अंदर। तो अच्छे से भुनने के बाद अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 3 बिग साइज़ के टमाटो, जिन्हें मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। पाव भाजी में टमाटो ज़्यादा क्वांटिटी में ही जाते हैं। तो टमाटो ऐड कर देने के बाद हम अच्छे से भून लेंगे यहाँ पर। ऑयल सेपरेट होने तक हम भूनते जाएंगे, और टमाटो भी टेंडर हो जाएंगे, क्योंकि सब्ज़ी तो ऑलरेडी टेंडर हो चुकी है। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे, आप चाहें तो हरी मिर्ची ऐड कर दे दो। 1 टीस्पून नमक या हसबे जायका। एक टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया हमने। 1/2 टीस्पून हल्दी। अब 2 टेबल स्पून हम पाव भाजी मसाला ऐड कर देंगे, जो हमारा घर का ही बना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो मसालों को यहाँ पर हम अच्छे से भून लेंगे। टमाटर भूनने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, तो हमने फटाफट टमाटो ऐड कर देने के बाद मसाले ऐड कर दिए, क्योंकि जो टमाटो का जूस होगा और मसाले होंगे वो जल्दी भुन जाएंगे, तो इसलिए हमारी पाव भाजी जल्दी रेडी हो जाएगी, और इसके साथ साथ भुनाई भी अच्छे से हो जाएगी मसालों। तो ये देखें कितने अच्छे से भून रहा है हमारा मसाला और टमाटो। आप चाहें तो यहाँ पर ये मिक्सचर निकाल कर पाव के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो देखें ऑयल सेपरेट होने लग गया है मसाले और टमाटो से। अब हम ऐड कर देंगे यहाँ पर सब्ज़ी।
तो देखिए सब्ज़ी कितने बढ़िया से मैश हो गई है, हमें इसी तरह से चाहिए थी। तो ऐड कर देंगे सब्ज़ी और फिर से अपने स्पून से मैश करते जाएंगे। इसी पाव भाजी में मसाले और सब्जियों को अच्छे से मैश करते जाना है, भूनते जाना है, ताकि इसका टेस्ट सारा सब्ज़ी में आ जाए जो मसाले भुने हैं हमने। चलाते हुए अच्छे से मिलाते जाएं। और अब हम दाल घोटने वाली मैशर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए कोई स्पेशल मैशर हमने नहीं यूज़ किया है यहाँ पर, और ये मैशर नॉर्मल हर घर में अवेलेबल होता है। तो इसी तरह से मैश करते जाएंगे हम सब्ज़ी को। और अब हम ऐड कर देंगे यहाँ पर वेजिटेबल स्टॉक, जो हमने सब्ज़ी का पानी बचा के रखा था कि हमें अलग से पानी नहीं ऐड करना है, उससे वो जायका नहीं आ पाता है। पहली बात तो ये हमारे पास सब्ज़ियों का पानी है, इसके अलावा ये पका हुआ पानी है, तो कच्चा पानी ना ऐड करें। तो हमने यहाँ पर सब्जियों को अच्छे से घोट लिया है, जिस तरह से दाल घोटते हैं। अब हम यहाँ पर फूड कलर ऐड कर रहे हैं 1/2 टीस्पून, इससे ओरिजिनल पाव भाजी वाला कलर आएगा। ये जुहू बीच में भी यूज़ होता है, तो इसलिए हमने भी ऐड किया है यहाँ पर। आप चाहें तो कश्मीरी मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम बिल्कुल ओरिजिनल पाव भाजी बना रहे हैं तो इसलिए फूड कलर ऐड किया। तो अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे ऊपर से 1 टेबलस्पून पाव भाजी मसाला। ये मैंने थोड़ा सा बचा कर रखा था ऊपर से ऐड करने के लिए, ताकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी सी आ जाए। तो अपने दाल वाले मैशर से इसी तरह से हम सब्ज़ी को मैश करते जाएंगे, मिलाते जाएंगे। फ्लेम को हमने यहाँ पर मीडियम रखा है। अगर हम यहाँ पर फ्लेम को रखेंगे हाई तो हमारी जो भाजी है वो बहुत थिक हो जाएगी, बहुत जल्दी थिक हो जाती है, क्योंकि इसमें आलू ऐड होता है, और आलू जिस चीज़ में भी ऐड करेंगे आप, बहुत जल्दी थिक हो जाती है ग्रेवी। तो ये देखें 10 मिनट हो चुके हैं, हमारी पाव भाजी हो गई है रेडी। अब हम बंद कर देंगे गैस स्टोव। अब ऐड कर देंगे हम 1/2 लेमन जूस अच्छे से, क्योंकि लेमन जूस के बिना अधूरी होती है पाव भाजी। लेमन जूस ऐड कर देने के बाद हम अच्छे से स्पून से मिला लेंगे भाजी को, ताकि जूस। अब एक तावे में मैंने बटर ऐड कर लिया है, उससे पहले मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर लिया था, उसके बाद 1 टेबलस्पून बटर ऐड कर लिया। यहाँ पर मैंने पाव बीच से कट कर ली है, तो बटर को अच्छे से होने देंगे मेल्ट। अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे हरा धनिया, इसके बाद ऐड कर देंगे पाव भाजी मसाला। लाल मिर्ची का पाउडर भी आप ऐड कर सकते हैं। अब इसके ऊपर रख देंगे पाव, सेक लेंगे पाव को अच्छे से, सारा बटर एब्जॉर्ब ना कर ले जब तक कि सेकते जाएंगे हम। और अब टर्न कर देंगे, बटर को दोनों तरफ से हमें अच्छे से सेक लेना है, जब तक कि बटर को एब्जॉर्ब ना कर ले, ताकि हमारी पाव भाजी बिल्कुल बटरी बने। तो देखिए थोड़ी सी हमारी जो पाव है वो ब्राउन होने लग गई है, अच्छे से सिक गई है। और अब हम हटा देंगे पाव को तावे के ऊपर से, दूसरा पाव भी हम इसी तरह से सेक लेंगे। और सब्जी में ऐड कर देंगे धनिया पत्ती 1 मुट्ठी के करीब। तो यहाँ पर हमने भाजी निकाली अपनी प्लेट में, ऊपर से हरा धनिया ऐड कर देंगे। हरा धनिया ऐड कर देने के बाद हम ओनियन रिंग से अच्छे से गार्निश कर लेंगे अपनी भाजी को, और लेमन का स्लाइस एक ले लिया मैंने अपनी प्लेट पर। इसी तरह से ओनियन रिंग्स यहाँ पर मैंने सेके हुए पाव रख दिए ऊपर से। इसके अलावा अभी एक चीज़ की कमी है, जो है हमारी पाव भाजी का बटर। तो हमने बटर भी ऐड कर दिया, हमारी पाव भाजी बिल्कुल रेडी है। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, अगर चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।